सरकार के स्तर पे जो गंभीरता है शराबबंदी को लेकर के, वह गंभीरता प्रशासन में कहीं दिखाई नहीं दे देता है। ड्रोन गायब होने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो शराब ही चलाता है दूसरे राज्यों से। भारतीय जनता पार्टी को जरूर होती है हर जगह पे कि महागठबंधन के कार्यक्रमों में भारी तादाद में लोग जुटते हैं, इस ईर्ष्या में बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार के स्तर पे जो गंभीरता है शराबबंदी को लेकर के, वह गंभीरता प्रशासन में कहीं दिखाई नहीं दे देता है। पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, आप ड्रोन गायब होने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो शराब ही चलाता है दूसरे राज्यों से और लगातार शराब बिक रहा है और लोगों की मौत भी हो रही है जहरीली शराबों से। तो ये ड्रोन और इस तरह की जितने भी सर्विलेंस हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है, इसकी एक व्यापक समीक्षा की ज़रूरत है शराबबंदी को लेकर, और सिटिंग जजों की कमेटी बना करके न्यायपूर्वक निर्णय लेने की ज़रूरत है बिहार के लिए। अन्यथा यह सब दिखावा है, ड्रोन जैसे इक्विपमेंट्स शराबबंदी में कभी कारगर नहीं होंगे। ऐसे मशीनों की उपयोग लॉ ऑर्डर के लिए करना चाहिए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इस तरह की मशीनों की ज़रूरत है। बाकी शराबबंदी सामाजिक बुराई है और उसको हम उस तरीके से उसको नियंत्रित करने का प्रयास करना होगा कि विपक्ष कब एकजुट नहीं था। विपक्ष तो पहले ही से कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट रहा है। नए दल जो एनडीए से टूट कर आए हुए हों, या वो दल जो तीसरे फ्रंट बनाने की जुगत में थे, बिहार की और देश की जो राजनीतिक वर्तमान राजनीतिक हालत है उसमें ये कोई औचित्य नहीं है। सभी लोग एकजुट हैं और नीतीश कुमार जी से मैं यही कहूँगा कि वो विपक्ष की एकजुटता में सीधे सीधे हाँ कहना चाहिए, बिना शर्तों पे कहना चाहिए। मुद्दों को तय करने के लिए ज़रूर देश भर में बात होनी चाहिए कि हम किन मुद्दों के आधार पे हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे। बाकी बिना शर्त नीतीश कुमार जी जैसे जो सहयोगी दल हैं देश भर में, उनको कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। राजनीतिक दल राजनीतिक कार्यक्रम भी करते हैं, राजनीतिक दल समय समय पर अपने सामाजिक सहभोज का आयोजन भी करते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। ईर्ष्या भारतीय जनता पार्टी को जरूर होती है हर जगह पे कि महागठबंधन के कार्यक्रमों में भारी तादाद में लोग जुटते हैं, इस ईर्ष्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग बयान दे रहे हैं। और आज उनके पास कोई मुद्दा तो है भी नहीं बिहार में, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या मुद्दा है बिहार में वोट लड़ने का, राजनीतिक दल के तौर पर काम करने का। बिहार में अगर कोई समस्या है तो उसके वो सहभागी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। इसीलिए वो अब भारत को बांटने के लिए, समाज को विभाजित करने के लिए षड्यंत्र में शामिल लोग हैं और इस कई तरह के प्रकल्प चलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज को और राष्ट्र को विभाजित करने के लिए। यह विभाजित मानसिकता से ही यह दल का गठन हुआ था और उसके जितने भी आइडियोलॉजी हैं वह समाज को तोड़ता है, कहीं बड़ा जोड़ता नहीं।